नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अनुपम खेर ने ठुकराई पाकिस्तान की वीजा पेशकश। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने अभिनेता अनुपम खेर से बात की और उन्हें पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए वीजा का आवेदन करने की स्थिति में वीजा देने की पेशकश की। अनुपम ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि निर्धारित तारीखों पर वह पहले ही व्यस्त हो चुके हैं। बासित ने बुधवार को ट्वीट किया कि अनुपम खेर साहब, आपका हमेशा स्वागत है, आप एक महान कलाकार हैं, हम आपका सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। इसके जवाब में खेर ने कहा, शुक्रिया बासित साहब मुझे कॉल करने और कराची के लिए वीजा की पेशकश करने के लिए, मैं इसका कायल हूँ। दुर्भाग्य बस मैं तारीखें अन्य को दे चुका हूं। यौन संबंधों से फैल रहा है खतरनाक जीका। अमेरिका के एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने जीका विषाणु के यौन संबंधों के कारण संक्रमण की पुष्टि की है। इसके कारण शिशुओं में मस्तिष्क विकार के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार मानी जाने वाली इस बीमारी के तेजी से फैलने की आशंका प्रबल हो गई है। टेक्सास में स्वास्थ्य अधिकारियों ने लैटिन अमेरिका में इस महामारी के और अधिक तेजी से फैलने की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि यह विषाणु सिर्फ उष्णकटिबंधीय मच्छरों के कारण नहीं बल्कि यौन संबंधों से भी संक्रमित होता है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के लिए यह संकट का संकेत है, जहां जीका की पुष्टि उन्हीं लोगों में हुई है जो प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा कर लौटे हैं। यात्री बोला, मेरे पास बम है, प्रियंका गांधी को छोड़नी पड़ी फ्लाइट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका को उस समय फ्लाइट से उतरना पड़ा जब एक यात्री ने कहा कि उसके पास बम है। यात्री को हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली से चेन्नई के लिए फ्लाइट पकड़ना थी, इस वजह से एयरपोर्ट पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे। इसी बात से एक यात्री चिढ़ गया और उसने कहा, मेरे पास बम है। यात्री को तत्काल हिरासत में ले लिया गया और प्रियंका गांधी को दूसरे विमान से भेजा गया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह पर यौन शोषण का आरोप। खुद को हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह की मंगेतर होने का दावा करने वाली एक औरत ने सरदार पर यौन शोषण और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कुंभकला थाने में शिकायत दर्ज कराने वाली महिला ने पिछले साल अपने ट्विटर अकाउंट से सरदार के साथ शादी की तारीख तय होने का दावा किया था। दूसरी ओर सरदार ने भारतीय मूल की ब्रिटिश हॉकी खिलाड़ी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे उसे जानते हैं लेकिन उनकी मंगनी नहीं हुई है, जैसा इस महिला खिलाड़ी ने दावा किया है। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का शुभारंभ, कारों के खूबसूरत मॉडल प्रदर्शित। ग्रेटर नोएडा में बुधवार को ऑटो एक्सपो की शुरुआत मारुति सुजुकी की कार विटारा ब्रिजा के प्रदर्शन के साथ हुई। मारुति की यह पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी है। यह मॉडल 860 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित किया गया है। मारुति अपनी इस कार को मार्च या अप्रैल तक लॉन्च करेगी। एक्सपो में हुंडई की टुंसा और i30, जनरल मोटर्स के शेवरले एसेंटिया और बीट एक्टिव सहित कई मॉडल प्रदर्शित किए गए। शेवरले ने अपनी मल्टीपर्पज व्हीकल स्पिन लॉन्च की। होंडा और यमाहा ने भी अपने नए स्कूटर पेश किए। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष बलराम जाखड़ का निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ का बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। उनके बेटे सुनील जाखड़ ने बताया कि उनका निधन बुधवार सुबह करीब 7 बजे अपने आवास पर हुआ। अंतिम संस्कार गुरुवार को सुबह 11 बजे पंजाब के अबोहर स्थित उनके पैतृक गाँव पंचकोशी में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाखड़ के निधन पर शोक जताया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।